सिंहमांचल में वर्चुअल मीटिंग का झरिया विधानसभा भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने उनका हालचाल लिया। उन्होंने झरिया में हो रही परेशानियों का जायजा लेते हुए समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। वर्चुअल मीटिंग के दौरान सभी के संग चर्चा के उपरांत निम्नलिखित समस्याओं के निष्पादन का आश्वासन दिया। इसमें झरिया बाजार और उसके आसपास वैक्सीनेशन केंद्र की व्यवस्था करने, झरिया में प्रभारी अंचल अधिकारी की जगह स्थायी अंचल अधिकारी की पोस्टिंग, नगर निगम द्वारा साफ सफाई और पूरे झरिया में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने, ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क अप कैंपेन चलाकर लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लाभ पहुँचाने का निर्णय लिया गया। सभी से आग्रह किया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से त्रस्त हो और अस्पताल में भर्ती करने में दिक्कत हो रही हो तो इसकी जानकारी अवश्य दें। बीमारी व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित सुविधा दिलाने की व्यवस्था की जा सके। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान झरिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष व जिला के पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें अखिलेश सिंह, सुमन अग्रवाल, दिलीप भारती, स्वरूप भट्टाचार्य, सैलेश सिंह, उमेश यादव, सुजीत सिंह, अभिषेक पांडे, अवधेश राव एवं सीबू अग्रवाल आदि उपस्थित थे। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।